जीडीएस लर्निंग में खुश आमदीद। आज हम आपके साथ रिसीव्ड फॉर्म फीड की एंट्री के बारे में डिस्कस करते हैं, किस तरह हम इस एंट्री को पीनआर में रिकॉर्ड करते हैं, टाइप करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा जी, तो रिसीव्ड फॉर्म फीड जो स्टार्ट में हम टाइप करते हैं, 6 हम टाइप करते हैं, और उसके बाद हम वो नाम टाइप करते हैं जो पैसेंजर या कोई और बंदा इससे रिजर्वेशन के लिए कॉल करता है, उसका हम जो है नाम यहाँ टाइप करते हैं। अच्छा जी, 6 और वो, उसके बाद वो नेम, फिर मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये मैंने रिसीव्ड फ्रॉम फीड किया इसके एंट्री की, इसको रिकॉर्ड के पीनआर में। अब मैं इस फीड को रीडिस्प्ले करता हूँ, स्टेरिक P6 से मैं इस फीड को डिस्प्ले करता हूँ। अच्छा जी, तो ये रिसीव्ड फ्रॉम फीड जो मैंने स्टेरिक P6 से रीडिस्प्ले किया। अच्छा जी, अब मैं सारे पीनार को रीडिस्प्ले करता हूँ स्टेरिक ए से। तो ये सारे पीनार जितना भी मैंने यहाँ तक फिल किया, सारा पीनार मैंने स्टेरिक ए से डिस्प्ले की। ये नेम फील्ड है, ये इटिनरेरी फील्ड है सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे क्या है टिकटिंग अरेंजमेंट फील्ड, फोर्थ नंबर पे फोन फील्ड है, और ये जो फिफ्थ नंबर पे ये रिसीव्ड फॉर्म फील्ड है। अच्छा जी, आपको एक वर्ड जहन में रखना है, प्रिंट वर्ड आपको जहन में रखना है कि 5 जो एसेंशियल फील्ड है इसको आप इस वर्ड से जहन मशीन, ताकि इस वर्ड से आप ये जो है 5 एसेंशियल फील्ड जहन मशीन कर ले। अच्छा जी, प्रिंट का मतलब क्या है, प्रिंट क्या है, पी फॉर फोन फील्ड, और फॉर रिसीव फ्रॉम फील्ड, आई फॉर इटिनरेरी फील्ड, एन फॉर नेम फील्ड, एन टी फॉर टेक्टिंग अरेंजमेंट फील्ड। तो ये वर्ड है, इसको आपने जहन में रखना है, जहन में रखना है ताकि आपको ये 5 एसेंशियल फील्ड्स पीनआर के जो है वो याद हो। अच्छा जी, अब मैं इसको इन करता हूँ ताकि ये जितना पीनआर अभी तक मैंने बिल्ड किया सारा पीनआर ये जो है सेवर डेटाबेस में परमानेंटली सेव हो जाए। अच्छा जी, तो इसको मैंने सक्सेसफुली इस पीनआर को कंप्लीट किया और सेव किया सेवर GDS में। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और बेल के आइकन को दबाएं ताकि हमारे अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक हर वक्त पहुँच जाए, और कमेंट भी करें अगर वीडियो अच्छी लगे तो, कमेंट भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।